जयपुर घूमने निकले चार बच्चे हुए लापता। घर से ऑटो में बैठकर सिंधी कैंप पहुंचे, वहां से बस में बैठ दिल्ली रोड पहुंचे। पिटाई के डर से गांव के मंदिर में जा छुपे। जयपुर में चार बच्चे घूमने के लिए घर से निकलकर ऑटो से चले गए। वे घूमते हुए दिल्ली रोड पर पहुंच गए। इधर परिवार के लोग उन्हें तलाश करने लग गए। बच्चे बसों में ही जयपुर में घूमते रहे। शाम को पिटाई होने के डर से वे गांव के मंदिर में जाके छुप गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक करते हुए चारों को तलाश कर लिया। डीसीपी साउथ हरेंद्र महावर ने बताया कि सुबह करीब 11 बजे चार बच्चे घर से गायब हो गए। उनके परिजनों ने बच्चों के गुमशुद होने की बात कही। सांगानेर सदर पुलिस चारों बच्चों की तलाश शुरू की। तभी बच्चों का एक अनजान नंबर से फोन किया, बाद में फोन कट हो गया। पुलिस ने दोबारा से फोन पर बात की तो पता लगा कि दिल्ली रोड पर रेस्टोरेंट पर बच्चे थे, वहां से फोन किया गया था। तब पुलिस की टीमें वहां पर पहुंची तो बच्चे नहीं मिले। पुलिस सीसीटीवी चेक करते हुए जयपुर पहुंची। चारों वाटिका से होते हुए तब पता लगा कि बच्चे घर के आसपास ही हैं, वे मंदिर में मिल गए। चारों बच्चों ने पूछताछ में बताया कि वे घर से ऑटो में घूमने के लिए निकले थे। वे सिंधी कैंप पहुंच गए, वहां से बस में सवार होकर दिल्ली रोड चले गए। रास्ते में बस के रुकने पर एक रेस्टोरेंट पर उतर गए। शाम होने पर घबरा गए, तब उन्होंने एक युवक से मोबाइल लेकर परिजनों को कॉल किया। वे वापस एक बस में बैठकर जयपुर आ गए। वे पिटाई के डर से गाँव में ही एक मंदिर में जाकर छुप गए थे।